Assalamualaikum, welcome back to the new video. तो आज मैं अगेन आ गई हूँ आप सबके लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए आधा किलो चने की दाल, चार टमाटर, तीन प्याज, 10 से 12 छोटी हरी मिर्च। ये दाल को हमने भिगो कर रख दिया था आधे घंटे के लिए। इसके बाद हम इसको बॉईल कर लेंगे। इसके बाद हमने एक पॉट लिया जिसमें 1/2 कप ऑयल, 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट यानी कि लहसुन पेस्ट डाला। इसके बाद हमने इसमें प्याज ऐड कर दी। प्याज ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि प्याज अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ देखिए प्याज गल चुकी है। हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद हरी मिर्ची और टमाटर ऐड करेंगे। हरी मिर्चों को हमने छोटी छोटी बारीक से कट कर ली थी और टमाटर को रफली चॉप कर लिया था। इसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे जब तक कि टमाटर गल जाए। यहाँ देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेंगे। 2-3 मिनट तक हम इसको भून लेंगे। इसके बाद हमने बॉईल की हुई दाल इसमें ऐड कर दी है। दाल ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाएं। और यहाँ पे हमारे पास है 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी जिसको हमने हाथों की मदद से क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है। 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें बड़ी हरी मिर्च कट करके ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया और इसको अच्छी तरीके से अगेन मिक्स करके कवर कर देंगे। और यहाँ देखिए हमारी मज़ेदार सी चने की दाल की रेसिपी रेडी हो चुकी है। देखा थी ना कितनी इजी और झटपट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।